हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फाइव। और आज हम बनाने जा रहे हैं ऑलमोस्ट सबके फेवरेट छोले, जो कि बनेंगे बहुत ही आसानी के साथ। और अगर आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप हर बार यही रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने काबुली चनों को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें कुकर में डालकर इनमें 2 से 3 ग्लास पानी डालेंगे, जिससे कि ये सारे डूब जाएं। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। हम इसमें पहले 2 विसल देंगे, देन हम लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो ये हमारे छोले उबलकर तैयार हो चुके हैं। तो हम इनको चेक कर लेते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, इतने ही सॉफ्ट छोले हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच अलग एक डिश में निकाल लेंगे और उनको इस तरह से मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम एक हेवी विसल ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन ले ली हैं, इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पर ये प्याज जो है हमारी हो रही है और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए 4 टमाटर। ये मीडियम साइज़ के 4 टमाटर हैं। अब इनको हम अच्छे से कुक करेंगे। इसी के साथ हम इनमें मिलाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर ये मैंने छोले मसाला लिया है, जो मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। और ये सौंफ और ज़ीरे का पाउडर है, जो 2-2 चम्मच मैंने सौंफ और ज़ीरा ले लिया था, इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है। तो ये भी मैंने 3 चम्मच ऐड किया है। 3 चम्मच छोले मसाला डाला है और 3 चम्मच ही हमने सौंफ और ज़ीरे का पाउडर डाला है। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पानी और अब हम इसे ढककर पकने देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे तो पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो हमारा एक प्रोसेस यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने, जो हमने होल पीस जो हमने बचा के रखे थे वो, और यहाँ पर जो हमने मैश किए थे वो छोले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पूरे छोले हम इसमें, यहाँ पर दोनों तरह के जो हमने पेस्ट बनाया था और होल वाले जो थे, दोनों हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये 1/2 किलो के करीब छोले हैं, जिनको बनने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे होंगे। तो यहाँ पर ऐड किया है हमने 1 कप पानी और हम अब ऐड कर रहे हैं 3 से 4 बड़े चम्मच इमली की चटनी। इमली की चटनी आप जैसे बनाते हैं वैसे डाल सकते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। तो यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैंने काट के डाली हैं और 2 से 3 टेबल स्पून ही हमने हरा धनिया लिया है। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। देखिए अभी से कितने टेस्टी लग रहे हैं, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, और पानी की क्वांटिटी आपको इस टाइम पे जितनी रखनी हो तो आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा चाहिए आपको, लूज़ ग्रेवी चाहिए या आपको थिक चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम ढककर 5 से 10 मिनट और पकने देंगे। ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आसान से छोले बनाने की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।